वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है संचिता और आज मैं जो गीत आपके लिए लेके आई हूँ वो है 1960 की फिल्म बरसात की रात से। लिरिक्स लिखे हैं साहिर लुधियानवी साहब ने, म्यूजिक कंपोज की है रोशन जी ने और गाया है सुमन कल्याणपुर जी ने और कमल बैरोट जी ने। तो चलिए सीखे इस बहुत ही मधुर गीत को। ये गीत राग गौड़ मल्हार पर आधारित है जिसे वर्षा ऋतु में किसी भी समय गाया जा सकता है। इस राग को थाट खमाज में रखा गया है जिसमें आरोह में शुद्धनी और अवरोह में कोमलनी का प्रयोग किया जाता है। राग गौड़ मल्हार का राग परिचय इस वीडियो के अंत में दिया गया है। इस गीत में 16 मात्रा की ताल 3 ताल बजाई गई है। सीखते समय हम ताल की लय थोड़ा कम रखेंगे 160, और जब हमें ये गीत अच्छे से आ जाएगा तब हम तबला ऐप पर टेम्पो रख सकते हैं 190। तानपुरा है ए शार्प स्केल पर सा म सा ग गरजत गरे गरे प बरसत प प प म प सावन धनी सानी ध प आयो रे ग प म ग गरजत बरसत सावन आयो रे लायो ना मनी संग में ग प म हमरे गरे ग बिछड़े बलमवा ग म प ग म रे सानी रे सा सखी का करूं मग मनी ध प हाए म गरजत बरसत सावन आयो रे गरजत बरसत सावन सा आयो रे सावन आयो सा 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 सागरे ग प म ग गरजत बरसत सावन। स्थाई फिर से देखते हैं। गरजत बरसत सावन आयो रे गरजत बरसत सावन आयो रे लायो ना संग हमरे बिछड़े बलमवा सखी का करूँ हाय गरजत बरसत सावन आयो रे गरजत बरसत सावन आयो रे गरजत बरसत सावन। गीत को हमें ताल की 9 मात्रा से गाना शुरू करना है। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा गरजत बरसत सावन आयो रे बलमवा सखी
स्टैंजा के नोटेशंस देखें। रीम झीम रीम झीम प प प प प प साध मी हा बर से सानी रे सानी। सेकेंड टाइम रीम झीम रीम झीम सेम नोटेशंस प प प प प प साध मी हा बर से सानी प प सा बर से प प प धनी धनी म प। नेक्स्ट हमें वैसे ही गाना है जैसे हमने फर्स्ट टाइम गाया था। रीम झीम रीम झीम मी हा बर से सा पे ही रखना है। सा तर से जी अरवा निध 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 सा मीन समान सानी रे सा सानी ध निध प पड़ गई फी गर गर प प प म प लाल चुनरिया धनी सानी ध प ग प म ग पिया म ग म नी ध प म ग म पिया नहीं आए गर जत बर सत सावन आयो रे गर जत बर सत सावन। स्टैंजा को हमें ताल की पहली मात्रा से ही गाना है। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा रिम झिम रिम झिम मी हा बर से रिम झिम रिम झिम को भी हमें ताल की पहली मात्रा से ही गाना है। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा पड़ गई फीकी लाल चुनरिया पिया नहीं आए गर जत बर सत सावन आयो जत बर सत सावन। आइए सेकंड स्टैंजा के नोटेशंस देखें। पल पल छीन छीन प प प प प प सानी ध पवन झकोरे सा सानी रे सा। सेकंड टाइम पल पल छीन छीन ध नि ध प प नि ध प म प पवन झकोरे सा नि रे सा। थर्ड टाइम हमें वैसे ही गाना है जैसे हमने पहली बार गाया था। पल पल छीन छीन पवन झकोरे लागे तन पर सारे तीर समान सानी रे सा 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 ध ध प। ऑफ बीट देकर हमें फिर से गाना है। तीर समान प ध नि ध सा यहाँ आलाप है। ध प म ग रे ग म प ध नि सा आ नैनन जल सो गर गर प प प प प
जत बरसत सावन गर सा आयो सा निर सा और भी लायो ना पनी सर सानी मापा संग में सानी सा और भी हमरे निधनी और भी धप धा बिछड़े बलम पमध धप मधप मरे सखी का करू सारे म पध निध हाय निध रे एक साथ गाकर देखते गर जत बरसत सावन आयो वन लायो ना संग में हमरे बिछड़े बलम वास की का करूं हाय रे हाय। सेकंड स्टैंजा को भी हमें ताल की पहली मात्रा से ही गाना है। भी हमें ताल की पहली मात्रा से ही गाना है। गरजत बरसत को हमें फिर से खाली से ही लेना है यानी नौ मात्रा से। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा गरजत बरसत सावन आयो वन लायो ना वन संग में वन हमरे वन बिछड़े वन बलम वा सखी का जाने राग गौड़ मल्हार का राग परिचय। थाट है खमाज। आरोह में शुद्ध नी का प्रयोग किया जाता है और अवरोहात्मक रूप में कोमल नी का प्रयोग करते हैं। राग की जाति है संपूर्ण संपूर्ण यानी आरोह और अवरोह में सभी स्वरों को गाया जाता है। वादी स्वर जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण स्वर है इस राग का, वो है म। और संवादी स्वर जो सभी अन्य स्वरों से ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है सा। राग गौड़ मल्हार का गायन समय है रात्रि का द्वितीय प्रहर यानी 9 से 12 बजे रात को, लेकिन वर्षा ऋतु में हम इस राग को कभी भी गा सकते हैं। आइए जानें इस राग में आरोह अवरोह और पकड़। सा sa re ga ma ma pa dha ni sa sa dha ni pa ma ma pa रे गरे म गरे सा।
रे ग म ग रे ग म म ग रे ग रे सा रे ग म म ग रे ग प म म ग रे सा ध नि प म प ध नि सा रे सा नि सा रे ग म प म म रे प रे प म प प ध ध नि प म म ग रे ग म रे प म ग प म ग रे ग रे सा। तो जल्दी जल्दी सीख लीजिए इस गीत को। हम फिर मिलेंगे एक नए गीत के साथ, तब तक के लिए रुकिए रुकिए। अगर आप अच्छा गाते हैं लेकिन आपको परेशानी होती है ताल में गाने में, तो आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं गीत सीखने के लिए, राग सीखने के लिए और अपनी ताल ठीक करने के लिए। नीचे कमेंट सेक्शन में मेरा ईमेल दिया गया है, उसमें आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।